नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का, लेकिन उससे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। पड़ोसी धर्म निभाते हुए श्रीलंका को भारत ने भेजी दवाई, पड़ोसी देश ने भारत को किया धन्यवाद। यूक्रेन ने रूस से तोड़े सभी व्यापारिक रिश्ते, ब्रिटेन ने G7 देशों के साथ मिलकर लगाएगा कड़े प्रतिबंध। महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भड़की मायावती, केंद्र पर निशाना साधकर कहा जनता घुट घुट कर जीने को मजबूर। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, किसानों के मुद्दे पर हुई चर्चा। गोरखपुर कांड के बाद बढ़ाई गई लखनऊ में सीएम आवास की सुरक्षा, 24 घंटे तैनात रहेगी सीआरपीएफ। शिवपाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी, कहा लोकतंत्र की भाजपा सीरियल किरण। गुरुनाथ मंदिर पर हमले पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सपा आतंकवादियों के समर्थक, जल्द ही समाप्त पार्टी होगी सपा पार्टी। आधी रात को गौशाला में गोलियां बरसाकर चौकीदार की हत्या, एक घायल, आधा दर्जन बदमाशों का गौशाला में तांडव। गोरखपुर मंदिर हमला, व्हाट्सएप चैट से सामने आया मुर्तजा का सीरिया कनेक्शन, एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी संदिग्ध जांच में। यूपी सरकार ने खरीदी 317.855 एकड़ भूमि, सीएम की मौजूदगी में अयोध्या एयरपोर्ट के लिए आज एएआई को लीज पर दी जाएगी भूमि। अयोध्या में जल्द पूरा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम, सीएम योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए लीज पर दी जमीन। अब कश्मीर में तिलक हिजाब पर हुआ हंगामा, चौथी क्लास की लड़की ने लगाया पूजा का तिलक, दूसरी हिजाब पहनकर पहुंची स्कूल। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आया बड़ा बयान, कहा राज्य के संसाधनों पर पहला हक है गरीबों का। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का जारी हुआ अलर्ट, भोपाल ग्वालियर समेत कई इलाकों में चलेगी बीमार करने वाली लू। आगामी 2023 चुनाव के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ की लीडरशिप में बनी कमेटी, दिग्विजय, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी समेत 20 दिग्गज होंगे शामिल। विश्व के श्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान में शामिल हुआ IIT, MNIT व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बना सका जगह। आप में शामिल हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चित्रा सरावर को। महंगाई के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने रोका तो कांग्रेसियों ने सड़क पर दिया धरना। सीएम मनोहर लाल पर सुशील गुप्ता का तंज, हरियाणा आप प्रभारी बोले खुद ही चोर खुद ही कोतवाल। चीनी हैकर्स का साइबर अटैक, हैकर्स ने लद्दाख के पास पावर ग्रिड को किया टारगेट। छोटी पारी में डेवाल्ट ब्रेवेन ने किया बड़ा धमाका, आईपीएल डेब्यू में जूनियर बेबी एबीटी ने सिर्फ 19 गेंदों में जीते करोड़ों दिल। लखनऊ की टिकड़ी पर भारी पड़ेगा दिल्ली का इक्का, दो मैचों में कुलदीप का प्रदर्शन रहा शानदार, लखनऊ की टीम में 3 में से 1 को मिला मौका। पीओके के शारदा पीठ में 73 साल बाद गूंजे मंत्र, चित्तौड़गढ़ के आर्किटेक्ट ने 5000 साल पुराने मंदिर में कराया पूजा पाठ। एयर इंडिया ने दिल्ली मॉक्सो फ्लाइट की कैंसिल, खतरे की आशंका के बीच इंश्योरेंस को लेकर उठा मसला। आंखों में सूखापन भी कोरोना का है लक्षण, कोरोना की चपेट में आए हर 5 में से 1 इंसान को ड्राई आईज की समस्या। अब बढ़ते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा में लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगातार रिश्वतखोरी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में रीवा के नईगढ़ी तहसील के रामपुर सर्किल में पदस्थ पटवारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि उसके जमीन की इस्तलाबी दर्ज करने के बदले में पटवारी द्वारा 2000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसे लोकायुक्त द्वारा पहले शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत की मांग करना सही पाया गया, जिस पर लोकायुक्त संभाल की टीम ने नईगढ़ी तहसील के देवता लाभ पहुंचकर 1500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़कर अग्रिम कार्रवाई शुरू करती है। आपको बता दें कि रीवा में इन दिनों राजस्व विभाग में भारी भरकम रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। क्या मामला है? ये शिकायत करता है श्री रमा निवास तिवारी,
इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय संभाग रीवा श्री गोपाल सिंह धाकर साहब के पास शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि उनकी जमीन का नामांतरण, जिसे लोकल भाषा में इत्तलाबी कहा जाता है, वो होना है। नायब तहसीलदार नई गढ़ी साहब ने उसमें ऑर्डर कर दिए हैं। अब जो इत्तलाबी दर्ज करने का पटवारी साहब जो कि पटवारी श्री राम नरेश रावत के द्वारा दर्ज किया जाना है, किंतु उसके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के क्रम में थाना रायपुरा पुलिस और स्वाट टीम द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी का खुलासा किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। मामले में आगे की कार्रवाई अभी जारी है। मामला है करवी कोतवाली के निवासी मयंक जायसवाल का ट्रैक्टर और ट्राली है, जिसको कि ये भाड़े पर ले गए थे। थाना रायपुरा अंतर्गत रामनगर कस्बे में ट्रैक्टर ड्राइवर को शराब की दुकान पर भेज दिए शराब लेने, इसी भी चकमा करके ट्रैक्टर और ट्राली लेके फरार हो गए। इस संबंध में रायपुरा थाने पर चोरी का मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त अभियुक्त ये ट्रैक्टर एवं ट्राली जो है मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में ले गए थे। आज दिनांक 7/4/2022 को ये लोग उस ट्रैक्टर को बेचने के प्रयास में थे। इसी दौरान स्वाट टीम एवं रायपुरा की पुलिस उक्त तीनों अभियुक्तों को मयमाल के गिरफ्तार कर लिया। घटना में चोरी गए ट्रैक्टर एवं ट्राली भी बरामद हुआ। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर हाथरस जिले से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारियों ने बैंक, पेट्रोल पंप, व्यापारियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संदिग्ध दोपहिया वाहनों को सघन चेकिंग हेतु एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत वर्तमान स्थितियों को जाना और सुरक्षा और सतर्कता की दृष्टि से सलाह दी। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने सयारा स्थित मां शीतला अतिथि गृह पहुंचकर भगवान तथागत सहित सभी महापुरुषों की मूर्ति पर माला चढ़ाए। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले में दिए गए बयान पर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आतंकियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते उजागर हुए हैं। अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि नवरात्रि है, उसकी शुभकामना आपको है, सबको बधाई। अच्छा, अखिलेश ट्विटर वाजी पर फिर आ गए हैं वो, करना कभी मुखिया कोर्ट कभी देखिए। श्री अखिलेश यादव जी का जो आज का मैं बयान देखा, उस पर मैंने बड़ी आलोचना करता हूँ। गोरक्षनाथ मंदिर में इतनी गंभीर घटना को अंजाम देने की मानसिकता से आया हुआ व्यक्ति और पुलिस के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको पकड़ने का काम करते हैं और उस प्रकरण की बहुत तथ्यात्मक तरीके से जांच की जा रही है। ऐसे समय में श्री अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी की ओर से बयान आना, यह स्पष्ट करता है कि जो समाजवादी पार्टी के और आतंकवादियों से जो रिश्तेदारी रही है वह उजागर हो। आतंकवादी घटनाएं करने वाले मनोरोगी ही होते हैं। अगर उनको मनोरोगी ना हो, उनको पागलपन ना हो, तो आतंकवाद की घटना की जगह अपने परिवार के, अपने प्रदेश के, अपने देश के विकास में। बिहार के नवादा के गोविंदपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अधिकारियों ने रामनवमी और छठ पूजा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के लिए जुलूस पर सख्ती बरतने की जरूरी समझा और उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने जुलूस में धारदार हथियार और इस्तेमाल करने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि ये ना इस्तेमाल किए जाए।
अगली खबर कानपुर से है, जहां एक मंचले की आज मानो शामत सी आ गई है। एसपी त्रिपुरारी पांडे ने मंचले को 5 सेकंड में 5 थप्पड़ जड़ दिए। आपको बता दें कि एसपी ने युवती से छेड़छाड़ के आरोप में ये कार्रवाई की है। एसपी ने पहले मंचले के बाल पकड़कर हिलाए और फिर एक के बाद एक 5 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए, जिसके बाद से मंचले की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर में पत्रकारों का उत्पीड़न और रिहाई को लेकर कलेक्टर के पास अंबेडकर प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा गया और पत्रकारों की जल्द से जल्द रिहाई की मांग की गई। उत्तर प्रदेश प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में लिखा गया कि बलिया जनपद में नकल माफियाओं और प्रशासनिक गठजोड़ के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि पिछले दिनों बलिया जनपद में बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के लीक कराने वालों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों का जिला प्रशासन बलिया द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। न केवल उत्पीड़न बल्कि जेल भेजने जैसा कुकृत्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की गरिमा प्रशासन द्वारा जानबूझकर गिराई जा रही है, जिससे पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। आपसे निवेदन है कि निष्पक्ष पत्रकारों के खिलाफ की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को रोकते हुए निर्दोष पत्रकारों को शीघ्रातिशीघ्र रिहा कराने की आवश्यक कार्रवाई कराते हुए दोषी जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने का निर्देश देने की कृपा करें। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां खाना बनाते समय एक युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे परिजनों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के अल्लाहपुर गाँव का बताया जा रहा है। कहाँ रहते हो? ये कौन है आपकी? क्या हो गया इन्हें? रोटी बना रही थी छत पे, आटे में लग गई आग। अच्छा, कि गैस पे बना रही थी? नहीं नहीं, चूल्हे पे। तो आग लग, दुपट्टे में आग लग गई? दुपट्टे में आग लग गई। फिर और कपड़ों में लग गई? खड़ी गई। अच्छा, फिर कैसे आग बुझाई आप लोगों ने? आग का हमने फिर पानी के, क्या पानी यानी डाला था? अच्छा, फिर यहाँ कैसे अस्पताल? क्या अपने निजी वाहन से लाए या एम्बुलेंस? निजी वाहन से लाए। ये बच्ची 18 साल की है, जिसका नाम ज्योति है, अल्लाहपुर की निवासी है और ये हमारे सीएससी पे जली हुई अवस्था में आई है। लगभग 70% इसका बर्न होगा और इसको प्राथमिक उपचार करके निश्चित। अगली खबर बारा से है, जहां राशन डीलर ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो 18 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव होगा। दरअसल सरकार ने महंगाई के जमाने में कमीशन 125 से घटाकर 109 रुपए कर दी है, जिसका राशन डीलर विरोध कर रहे हैं। डीलर्स में नाराजगी है, महंगाई के जमाने में सरकार कर्मचारियों का डीए बढ़ा रही है तो सातवें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी भी दे रही है, वहीं उनकी सेवाओं का कमीशन बढ़ाने के बजाय कटौती की जा रही है। सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति के बैनर तले जिले के सैकड़ों राशन डीलर ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आज हम जो हमारा जिला पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक दिन का है, प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर कर रहे हैं। जैसा हमें प्रदेश संघर्ष समिति से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम वैसे करते जाएंगे। उन्होंने बोला है 18 तारीख को हम जयपुर विधानसभा घेराव करेंगे, उसके बाद अगर फिर मांगे नहीं मानेंगे तो 19 तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। और राशन डीलरों की समस्या तो बहुत सारी है, जो आपको गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि एक समस्या नहीं है। आज जो माल उठाता है और जाता है तो उसका भाड़ा और जो भी, ये जो बहुत बड़ा खेल है इसमें, इस भाड़े में आज मेरे नाम से गाड़ी काट दी जाती है और वो गाड़ी मेरी पंचायत में नहीं पहुंचती है, वो 3 दिन पहले कट जाती है, वो यहाँ उठ के रह जाती है, उसके बाद में फर्जी ड्राइवर का नंबर चल जाते हैं और वो गाड़ी अपने पास पहुंची 3 दिन बाद में, तो उसका डंप 3 बार होता है, तो उसमें उतार चढ़ाव में गेहूँ घटता है। वो डीलर के ही वेहन होता, हर माह डीलर कम से कम 2 क्विंटल गेहूँ वेहन भुगतता है। अब वो कहाँ से पूरा करता है, कहाँ से पूरा नहीं करता, फिर उसकी मशीन में गेहूँ चढ़ जाता है, गेहूँ चढ़ने के बाद में विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करता है, लाइसेंस निरस्त करता है, वसूली करता है, तो क्या वो बच्चों और कई डीलर तो ऐसा भी, मैंने ऐसा विभाग को ऐसा भी देखा है कि बराना में जितेंद्र मीणा को मरने के बाद में उसकी पत्नी से गेहूँ वसूले गए हैं,
जबकि आदमी के मरने के बाद में तो सरकार क्या भगवान में माफ कर देता है, पर भगवान सरकार ऐसी है और खाद्य विभाग तो एक ऐसा है जो डीलरों को बिल्कुल देख नहीं रहा। और मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा माननीय अशोक गहलोत जी से कि डीलरों की क्यों नहीं सुनते हैं, डीलरों को क्यों नहीं देखते हैं, उनको क्या डीलर दिख नहीं रहा? जिस दिन डीलर बंद हो जाएगा मशीन चलाना, उस दिन डीलर की सब मांगे मान दी जाएगी। नहीं पर हमारे राशन डीलर भाई मशीन खोल के और दुकान खोल के वितरण कर देते हैं। बाकी हमने कोशिश करी है पूरे राजस्थान में, 1 तारीख से 3 तारीख तक हमने मशीन बंद करने की कहा था, राशन डीलरों ने हमें समर्थन दिया, कई जगह से हमें एक मशीन चली नहीं चली, बाकी मात्र 30% मशीनें कुछ चली है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमें पता लग जाएगा और कुछ विभाग ने अलग अलग दुकानें खोलने के लिए चल गया, बाकी हमें हम बता देंगे, मुख्यमंत्री जी को बता देंगे कि राजस्थान में भी कोई डीलर रहता है। ये अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां रिश्वतखोरी को लेकर चर्चा में आई कायमगंज तहसील में अब तीसरी आंख का पहरा रहेगा। तहसील के कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगने लगे हैं। प्रशासन का ये कदम भ्रष्टाचार नियंत्रण में कितना कारगर होगा ये तो क्षेत्र की जनता ही आपको बताएगी, लेकिन अब इन सीसीटीवी कैमरों के चलते खुलेआम रिश्वत नहीं ली जा सकती है। ये तो साफ हो गया है कि आपको बता दें कि रिश्वत लेने के लगातार जो वीडियो हैं वो सामने आने के बाद प्रशासन के आँख और कान दोनों खुल गए हैं। रिश्वतखोरी मामले में पहले जिलाधिकारी संजय कुमार द्वारा एक युवक को निलंबित किया गया और अब डीएम ने अन्य कई अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिराई है। फिलहाल इन तीनों लोगों को प्रतिदिन दस्तखत कर आधे वेतन से ही गुजारा करना होगा। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए इसलिए तहसील परिसर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पढ़ते हैं अगली खबर की ओर, फर्रुखाबाद जिले से में जहां पर पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक 7 वर्षीय बालक गायब हो गया था, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को ढूंढ निकाला। ये फर्रुखाबाद थाने के अंतर्गत ये तलैया फजल इमाम करके मोहल्ला है, इसके अंतर्गत आज एक आदित्य करके 3 वर्ष का बालक जो कि अपने घर के बगल में ही मंदिर के पास खेल रहा था वो गायब हो गया था, जिसके संबंध में आज शाम को करीब 7:30-7:15 के करीब इनके द्वारा सूचना दी गई। जबकि बच्चा 2 बजे से गायब था और इनके द्वारा पहले ढूंढा जा रहा था, जब नहीं मिला तो इनके द्वारा हमें शाम को 7 बजे करीब सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद यहाँ पर हमारे दोनों CO साहिबान साथ ही साथ 5 थानों की जो SHOs हैं फोर्स हैं उनको तुरंत यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। 20 टीम बनाई गई पूरे एरिया के अंदर, आसपास छानबीन की गई कि छोटा बच्चा हो सकता है आसपास जो घर हैं नाले हैं और तालाब उसमें वो डूब भी सकता है, उसके संबंध में यहाँ पे JCB से उसको दिखाया गया। कुछ क्लूज हमें मिले कि जो बच्चा है वो किसके पास जा सकता है और इनके द्वारा भी बताया गया था कि एक महिला है जो रीमा वर्मा जो कि इनके मोहल्ले में ही रहने वाली एक माया देवी है, उनकी नज़र लगती है, ये दिल्ली से आई थी। हमें क्लू मिले उसके आधार पर जो बच्चा है उसको हमने चाचूपुर गांव जो कि कमालगंज के अंतर्गत है वहाँ से अभी रिकवर किया है और जो अभी तक पूरी चीज़ें समझ में आई है और जो इंटरोगेशन में पता चला है कि जो ये रीमा वर्मा है जो दिल्ली रहती है पिछले 7 दिन से यहाँ पे आई हुई है, इसका इसके दिल्ली में भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर मुकदमे दर्ज हैं और ये एक प्रोफेशनल है जो कि छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त के अंदर ये काम करती है। पिछले 7 दिन से ये यहाँ पर आकर एक प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से बच्चे को यहाँ से पांचाल घाट लेके जाना है और वहाँ से फिर इसको जो ये चाचूपुर में जहाँ से बच्चा बरामद हुआ है उनके हैंडओवर करना है, उसी की ये पूरी तैयारी पे थी। आज इसको मौका मिला तो मौका मिलते ही इसने जो डोली नाम की लड़की थी छोटी वाली उसके और उसकी माँ के साथ मिलकर इस बच्ची को पांचाल घाट पहुँचवाया, वहाँ पर इसने बच्ची को जो बच्चा है इसको अपने पास में लिया और यहाँ से फिर ये कमालगंज जाके चाचूपुर गाँव के अंदर इसको बच्चे को हैंडओवर किया। इसने वहाँ पर ये इसको पैसे भी देके आई थी कि कुछ पैसे जिसको बच्चा को सपोर्ट करके आई थी और इसका प्लान था कि कल वहाँ से बच्चा लेकर ये आगे पहुँच जाती
दिल्ली तक पहुंचाती है और दिल्ली पहुंचकर बच्चे को आगे कहीं भेजती है। गिरफ्तार हो गए सब? गिरफ्तार में सभी? हाँ, सभी जो लोग हैं वो गिरफ्तार हैं। साथ ही साथ जो ये महिला रीमा वर्मा है, इसके गैंग में और कितने लोग काम करते हैं उसके लिए हम पता लगा रहे हैं, और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस इनके जितने भी हैं उस पर भी काम कर रहे हैं, और इस पूरे गैंग का हम जल्द से जल्द पर्दाफाश करेंगे और इस पर कठोर कठोर। इस वक्त के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।